जानिए 15 कमाल की कुकिंग टिप्स, दुगना हो जाएगा आपके खाने का स्वाद। कुकिंग टिप्स फॉर डिलीशियस फूड, इन किचन टिप्स से दुगना हो जाएगा आपके खाने का स्वाद। ऐसी कई अन्य महिलाएं भी हैं जो खाना बनाने से दूर भागती हैं, क्योंकि उन्हें किचन में होने वाली छोटी मोटी गलतियों से काफ़ी डर लगता है। हर महिला चाहती है कि वह जो भी खाना बनाए उसका स्वाद बेहतरीन हो और उनके मेहमानों को काफ़ी पसंद भी आए। इसके लिए कुकिंग करते समय वह अलग अलग तरह के बदलाव भी करती हैं। हालांकि ऐसी कई अन्य महिलाएं भी हैं जो खाना बनाने से दूर भागती हैं, क्योंकि उन्हें किचन में होने वाली छोटी मोटी गलतियों से काफ़ी डर लगता है। दरअसल कई बार खाना तैयार करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ किचन हैक्स के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपके खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा। मीठी डिश, अगर आप कोई भी मीठी डिश बना रहे हैं तो उसमें एक चुटकी नमक डाल दीजिए। ऐसा करने से खाने का स्वाद अधिक बढ़ जाएगा। मायोनीज, अगर आप एक तरह की मायोनीज खाकर बोर हो चुके हैं तो प्लेन मायोनीज में हरी चटनी, चिली सॉस या बारीक कटा धनिया और पुदीना मिला लीजिए। ऐसा करने से आप नए फ्लेवर का स्प्रेड तैयार कर लेंगे। दाल के पानी का करें इस्तेमाल। दाल उबालने के बाद अक्सर उसका एक्स्ट्रा पानी बच जाता है जिसे महिलाएं फेंक देती हैं, लेकिन अब आप उसे फेंकने के बजाय आटा गूंथने में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से उसके न्यूट्रिशंस बरकरार रहते हैं। चावल, चावल बनाते समय महिलाओं की एक शिकायत होती है कि उनके चावल चिपक जाते हैं, लेकिन अब आप चावल बनाते समय उसके पानी में एक चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू की रस की डालें। ऐसा करने से आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। ग्रेवी ऐसे बनाएं। खाना बनाते समय ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते समय उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालें। दरअसल चीनी ग्रेवी को अच्छा रंग देगी और इससे स्वाद भी बढ़ जाएगा। लहसुन स्प्रेड, लहसुन की कलियों को बारीक काट के गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। फिर इसे दही, चिली फ्लेक्स, नमक और बारीक कटे धनिए के साथ मिक्स करें। ऐसा करने से आप टेस्टी स्प्रेड तैयार कर लेंगी। इसे आप चाहें तो सैंडविच में लगाकर खा सकते हैं। तेल अधिक होने पर ये करें। अगर आपकी ग्रेवी में तेल अधिक हो गया है तो उसे थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीजर में रख दें। ऊपर तैर रहा तेल जम जाएगा और आप आसानी से उसे निकाल कर फेंक सकते हैं। लौकी, लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए इसे कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकलता है उसे फेंकने के बजाय आटा गूंथने में इस्तेमाल करें। इससे पराठे सॉफ्ट होने के साथ ही काफ़ी टेस्टी भी बनेंगे। पूड़ी, अगर आप पूड़ी में अधिक तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसे बेलकर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से फ्राई करते समय आपकी पूड़ी अधिक तेल नहीं सोखेगी। सब्जी नहीं पड़ेगी काली। महिलाएं समय की कमी के कारण रात में ही सब्जियां काट कर रख लेती हैं ताकि अगले दिन झटपट उसे बना लें, लेकिन ऐसा करने से कई बार सब्जियां काली पड़ जाती हैं। ये काली ना पड़े इसके लिए सब्जियों को हमेशा नमक के पानी में डालकर फ्रिज में रखना चाहिए। सूजी का हलवा, सूजी या आटे का हलवा बनाते समय उसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला लें। ऐसा करने से हलवे का स्वाद दुगना हो जाएगा। मलाई, मलाई से अधिक घी निकालने के लिए उसमें बर्फ डालकर मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड करें। ऐसा करने से मक्खन अलग होकर ऊपर आ जाएगा और मट्ठा नीचे रह जाएगा। इस मट्ठे का इस्तेमाल आप रवा इडली का बैटर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। भिंडी, अगर आपकी भिंडी की सब्जी चिपचिपी बनती है तो इसे पकाते वक्त इसमें नींबू का रस डाल दें। ऐसा करने से भिंडी का चिपचिपापन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप भिंडी पकाते समय उसमें बेसन भी मिला सकती हैं। ऐसा करने से भिंडी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। छेना, छेना फाड़ने के बाद उससे निकले पानी को कभी भी नहीं फेंकें, बल्कि उसे आटा गूंथने में इस्तेमाल करें।
ऐसा करने से रोटी टेस्टी और मुलायम बनेगी। फ्लफी केक। बिना अंडे के फ्लफी केक बनाने के लिए आप हमेशा केक का बैटर केले और दही के साथ बनाएं। ऐसा करने से आप बिल्कुल परफेक्ट केक बना पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास ही बनी घंटी को ज़रूर दबा दें जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आपके लिए इसी तरह रोज नई नई ट्रिक्स और रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।